हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड स्टील क्वांटिटी फॉर स्लैब M20 कंक्रीट के लिए। 10 mm का हमारा मेन बार है, 150 mm के स्पेसिंग पे लग रहा, 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, 125 mm के डिस्ट्रीब्यूशन पे लग रहा, स्लैब थिकनेस है 125 mm। अब हम निकालेंगे सबसे पहले मेन बार की क्वांटिटी। मेन बार इक्वल टू एल बाय सी प्लस 1, हमारा लेंथ है 5, डिवाइड कर दिया 0.150 से। यहाँ पे हमने स्पेसिंग को mm से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 34 नंबर ऑफ पीस लगेंगे मेन बार के। ऐसे ही हम निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार का। डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू एल बाय सी प्लस 1, हमारा लेंथ है 3 मीटर बाय 0.150 प्लस 1, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 25 नंबर ऑफ पीस लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम मेन बार को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ बार इनटू जितनी उसकी चौड़ाई है उससे इनटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा 102 मीटर। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ पीस इनटू जितनी लंबाई है उससे इनटू कर देंगे, हमारा आ गया 125 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा। अब हम मेन बार को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम मेन बार को केजी पर मीटर में निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है d²/162। हमने 10 mm के लिए सॉल्व किया, 1 मीटर 10 mm के बार का वेट आ गया 0.617। मेन बार को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा 1 मीटर का है 0.617। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मीटर हमारे पास है 102, इंटू करेंगे 63 kg, मेन बार हमारा लगेगा 63 kg। मेन बार को अगर हमें लेंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर का हमारा वेट है 0.617, हमने उसे 12 से इंटू कर दिया, 12 1 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड साइज 12 मीटर होता है, इसलिए हमने इसे इंटू किया, हमारा 7.404 kg। एक लेंथ 10 mm के स्टील बार का वेट हो गया 7.404 kg। मेन बार के टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ पीस आ जाता है, फुल लेंथ स्टील कितना चाहिए हमें, तो 8.5 लेंथ चाहिए होगा 10 mm का, 8.5 लेंथ चाहिए होगा हमें मेन बार। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को केजी पर मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे d²/162 से, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा 0.395 केजी पर मीटर आता है। 8 mm के बार 1 मीटर का वेट होता है 0.395। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसका टोटल वेट निकाल लेंगे, 0.395 × 125 जो हमारे पास टोटल मीटर है इंटू करेंगे 49.38 kg, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा उसका टोटल वेट है 49.38 kg। अब हमने फिर 8 mm के 1 फुल लेंथ का वेट निकाल लिया, उसके लिए 0.395 × 12 मीटर, 12 मीटर स्टैंडर्ड साइज है 1 लेंथ स्टील बार का, इंटू करेंगे हमारे पास आता है 4.74 kg। 8 mm के 1 लेंथ का वेट आ गया 4.784 kg। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो केजी में उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ पीस आ जाएगा फुल लेंथ जो हमें चाहिए, वो हमारा है 10.41। अब हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे M20 ग्रेड के लिए। तो M20 ग्रेड में 1 सीमेंट 1.5 सैंड 3 एग्रीगेट होता है, इसका हमने सम कर दिया 5.5 आया। अब हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। 1.57 यहाँ पे हमारा श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। एग्रीगेट रेशियो है 3, सम ऑफ रेशियो है 5.5 इनटू 1.57, हमारा आता है 0.856 m³। 0.856 m³ एग्रीगेट लगेगा 1 m³ कॉन्क्रीट वर्क में। वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सैंड रेशियो 1.5 बाय सम ऑफ रेशियो 5.5 इनटू 1.57, हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया 0.428 m³।
वन क्यूबिक मीटर में सैंड लगेगा हमारा 0.428 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया हमारा सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सीमेंट रेशियो है 1/5.5 इनटू 1.57 हमारा आ गया 0.285 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में 0.285 मीटर क्यूब सीमेंट लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। वेट में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 410 केजी वेट आ जाएगा सीमेंट का। अब हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट 50 केजी का होता है, अब हम 50 से इसको डिवाइड कर देंगे हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा, तो सीमेंट बैग आ गया 8 बैग लगेगा हमारा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क में। हमारे पास एरिया है 5 × 3 × 0.125, हमारा आता है 1.875 मीटर क्यूब। हमें देखना है कि इतने मीटर क्यूब में एग्रीगेट सैंड और सीमेंट कितना लगेगा। अब हम जानते हैं कि एग्रीगेट इक्वल टू टोटल एरिया इनटू 1 मीटर क्यूब में जितना एग्रीगेट लग रहा है उससे इनटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1.605 मीटर क्यूब। 1.875 मीटर क्यूब में हमारा 1.605 मीटर क्यूब एग्रीगेट लगेगा। अगर आप इसे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 56.63 क्यूबिक फीट आएगा। सैंड इक्वल टू ऐसे ही टोटल एरिया इनटू 0.28 कर देंगे, हमारा आएगा 0.8025 मीटर क्यूब। क्यूबिक फीट में इसे आप कन्वर्ट करेंगे आएगा 28.318 क्यूबिक फीट। सीमेंट लगेगा, सीमेंट इक्वल टू 8 बैग इनटू 1.875, हमारा आ जाएगा 15 बैग। 1.875 मीटर क्यूब में 1.605 मीटर क्यूब एग्रीगेट, 0.8025 मीटर क्यूब सैंड और 15 बैग सीमेंट लगेगा।